तो आए खाने के लिए। खाना खाओगे आप अखाड़े का पहलवानों का, हाँ। तो कुछ पहलवानों जैसा खाना पड़ेगा। Alright, so we are in Civil Lines. There's some really historical buildings around us. So today is our director/producer's fantasy come true of trying to beat the living fuck out of us. And we have said yes, not knowing what we walked into. So we are outside an akhada. Anything that involves men wearing loin cloths around their waist and getting on top of each other. Loin cloth has to be worn around the loin generally. Now if you wore a loin cloth around your head, this means the rest is naked. Better is around the loin only. We are basically here to discover ki what is their life, what is the food, they're strong, fucking tough ass men. I think they dedicate their life to a sport. Akhada culture, basically. Akhada means what is an pit, akhada culture? Right? Akhada means a wrestling pit. Yeah. Wrestling has been popular in India since ancient times, mainly as an exercise to stay physically fit. In the epic Mahabharata, Bhim is considered as the greatest wrestler of his time, while in the Ramayana, it is Hanuman. Pahalwani, as it's now known, developed during the Mughal rule, combining the ancient Malayudha and the Persian Varsesh Evastani, sport of heroes. Malayudha, or wrestling combat, first appears in the Ramayana, referring to a match between Bali and Ravana. Come look at the size of these specimens. हाँ जी, वो आपका साइज देख लिया, नहीं आ रहा हूँ। मैं पलंग पे बैठा हूँ, इस बार तोड़ा नहीं है। अब क्या करना चाहते हो? दो बेवकूफ है हम, जहाँ पर में पहुंच जाते हैं, खाना खाए, क्या लोग क्या करते हैं, उनका कल्चर, उनके बारे में जानना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे हमको किसी ने बोला कि आप अभी दिल्ली में हो, दिल्ली में अखाड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, यहीं रहते हैं, अपने आप बनाते हैं खाना पीना, खुद बनाते हैं। अच्छा, और फिर मतलब सिस्टम क्या है, जैसे वो घर से बच्चा पिक करते हैं ताकि जाओ आप? नहीं, जो यहाँ का लोकल का जो बच्चा है, हाँ। वो तो यहीं से पास ही आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर से लड़के जो यहाँ नहीं आ सकते है, वो फिर यहीं रहते हैं। कोई भी आ सकता है या आप सिलेक्ट करते हो? अब जैसे वो लड़का देख के भाई इस लायक है क्या, उनके माता पिता कराना चाह रहे हैं नहीं कराना चाह रहे हैं। इस अखाड़े का नाम मैंने खाली ऐतिहासिक अखाड़ा, हाँ, नाम ऐतिहासिक अखाड़ा, बहुत 1927 का बहुत पुराना अखाड़ा है, सबसे पुराना अखाड़ा है। अच्छा, तो फिर एक जैसे आप कोच हो गए, आप यहाँ के हेड हो गए जी। अच्छा, तो आपके पहले आपने भी बचपन से यही ट्रेनिंग? हाँ, मैंने भी बचपन से यही खुद पहले मैं खुद करी थी पहलवानी, फिर बच्चों को कराने लगा। और आप कौन सा स्टाइल का रेसलिंग करते हो, ग्रेको रोमन? ग्रेको रोमन भी होती, फ्री स्टाइल दोनों होती है। दोनों? हाँ। सारे लौंडे देख रहे, बोले इसकी धुलाई लगाएंगे, लंबा चौड़ा है, मेरी वैसी फटी हुई है, मैं जब भी देख के देखो मेरा भाई बुड्ढा हो गया है आराम से। हम तो आए हैं खाने के लिए, पर ये मालूम है आप हमको खाने ऐसे तो दोगे नहीं। खाना खाओगे आप अखाड़े का पहलवानों का, हाँ। तो कुछ पहलवानों जैसा खाना पड़ेगा। पहलवानों का खाना बहुत हार्ड होता है, हाँ। तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसको पचाने के लिए, हाँ। जी चलो, वो मेहनत करके दिखाओ आप, फिर आपको खाना जरूर मिलेगा, ऐसी क्या बात है। चलो आप हमको सिखाएंगे थोड़ा कुछ? हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे, चलो आप सिखाओ। सीटी क्यों बजाएंगे, हम सामने खड़े। Now Shanky is going to wear his shorts because he's got gym shorts, which he wears to clubs and dinners and meetings. I, on the other hand, have shorts that I can't wear in the akhada, so mere ko abhi langot pehna padega. This is the end of Sid Mewara. Please, 18 and above is advised. Isko niche se nikalo idhar se. Ye. Chota pada. Langot chota padega pehlwane ke liye. Chalo, aise hi pehno. पर थोड़ा ऊपर कर लो। एक आग बसी तेरे सीने में, उसे बुझने ना दे, बुझने ना, जो जीत लिखी तकदीरों में, उसे मिटने ना दे, मिटने ना। दौड़ मारो। तेरी मेरी इसकी उसकी कॉला वाइट या काली कुर्सी, संतरी मंत्री माख लंत्री, आम आदमी या सरकारी, इतनी पिटी मामले सी घूमके चलो साबा ये वाली ये करते हो। चलो ए चलो करो ए चलो। उसकी कैदरी आई वो जम्मू रे संभाल, तेरी जिंदगी की धोती
उसी ने सिलाई है। इट्स नाउ आई वांट फूड। मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही खाना मिलेगा आपको पहलवान होगा। ऐसी खेल थोड़ी है खाना पचाना। दम फट गई, चलो खाओ, अभी तो कुछ भी नहीं है। बैठक मारो, बैठक मारो। हाँ ये मारो। ऐसे करके मारो है, चलो जब भी मिलेंगे बाद हम पहले मानने के। रिलैक्स। यू हर्ड ऑफ दोस पीपल जिनकी फटने पर खुद की हंसी निकल आती है? दैट्स अस राइट हियर। ठावटी मार के दिखा इसे। अब तुम्हारा शरीर भारी है तो फिर बैठो। पांच मिनट में फट गई जीभ निकलेगी भैया की, तो देखो इसकी जीभ निकलेगी। ले वो देख ले कुश्ती पूरा, इनको दिखा एक बार। पूरा धूबी मार के दिखा। सही नहीं लग रहा, पहले आप एक दूसरे में दिखा दो फिर हम देखते हैं। आराम से मार ये, हम तो गिरेंगे धड़ाम से। मेहनत करनी पड़ेगी, he said. He was not kidding about that. They took turns to throw us around, full dhobi pachad style. But I give it to these guys. They swung around 150 kilos like a sack of cotton. फिर हमसे अखाड़ा का भी काम करवाया। शाबाश। This arena which you see us fluffing up is actually really soft mud. It's mixed with ghee, milk and a bunch of really good things. All this mehnat only led to an anticlimactic end. Unnecessary competition led to an unfair decision. Decision review hota hai na wrestling mein? Yaar, mere ko to bada maza aaya. थोड़ा एक्सरसाइज करने को मिला और पहली बार इस पूरे शूटिंग में ऐसा लग रहा है कि खाना खाने के लिए कुछ काम तो करें, वरना बैठे गाड़ी में बैठे पहुंच जाते। लिटिल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर हर्टिंग एंड अभी पता लगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अभी पता लगा सुबह और शाम। हाँ, दोनों टाइम करनी पड़ती है, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। किससे अच्छा किया इन दोनों में? हैं नहीं, भैया ने अच्छा किया था। इन्होंने पंटी भी जो अखाड़ा घोड़ा नहीं था वो भी अच्छा किया था इन्होंने, और इनको पता भी, नॉलेज भी है कुश्ती फ्री स्टाइल ग्रीको दो प्रकार की कुश्ती भी होती है, इनको सब नॉलेज है। आज ही आए, पहली बार शुरुआत करी इन्होंने। पर गुल्टियां तो मैंने खाई। नहीं, भले से आपने खाई थी पर उनको पता है, उन्होंने बड़ी पंटी बढ़िया मारी थी, ये भी घुमाया था, सब कुछ अच्छा करा था, और पीछे बैक वाला भी अच्छा किया था इन्होंने। ये जल्दी कैच करेंगे। तो ये दोनों में कौन जीता? भैया जीते वाले। आज कुछ काम नहीं किया फिर कैसे जीता? ये काम तो मैंने करा है। क्या काम किया? टेक्निकल। बाउट जितवा दूं? अरे मैं नहीं मानता, काट डालो ये। कोई चक्कर नहीं, तुम्हें हम जता देते हैं क्या। और ये अभी आपको घी वाला खाना खिलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अभी खाना भी और दूध भी, और आपको बादाम भी पिलाएंगे। ये बादाम और दूध, हाँ जी, हम तो तैयार हैं। Let's move towards eating and drinking some milk. The pehlwans and us lados are in dire need of protein all the time. The most efficient, traditional and cost-effective way is the Akhada special Badam Ragda. A delicious protein-loaded drink made with a host of nuts, seeds, dry fruits and spices. It fills you up in just one serving and does wonders for recovery and weight management. It does, however, take some extra effort and as evidence skill to make. पर उसके बाद टू माई सरप्राइज एंड मे बी अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट, दे सीम टू बी कुकिंग अप ओनली वेजिटेरियन फूड एंड कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ मसाले तो फुल यूज करे हैं। मे बी, जस्ट मे बी, अगर इस पनीर को थोड़ा मीट से रिप्लेस करते दिस वुड हैव बीन अ लॉट मोर सैटिस्फाइंग। मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष कुमार? हाँ जी, हाँ जी। और आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने खोला था 1927 में? जी बिल्कुल, गांव से आके इस चीज को एस्टेब्लिश करना, वो खुद एक रेसलर थे तो उनका ये रहा कि मैं जाके अपना ही एक अपना अखाड़ा बनाता हूँ जहाँ मैं बच्चों को ट्रेन कर सकूँ। आप खाना शुरू कीजिए। After getting thrown around all over the place and literally becoming a human road roller, I think we worked up a decent appetite.
ये जो कहते हैं कि आप घर में दाल खा लीजिए और यहाँ की दाल खा लीजिए, बिल्कुल अलग होती है। अखाड़े में जो हम लोग दाल बच्चे बनाते हैं, इसका टेस्ट और आप बाहर का लेना, बहुत डिफर मिलेगा। घी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब तो प्रोटीन शेक्स और ये सब चीजें आ गई हैं, पहले के जमाने में नहीं होता था, तो वही चीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोटीन है थोड़ा थोड़ा चाहे 5% 1% ही करे इफेक्ट करेगा, और जो घी है घी आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा, सर्कुलेट होगा। यहाँ का खाने का सप्लायर का अलग ही चैन नहीं होगा, कंजम्पशन इतना होगा, कंजम्पशन ज्यादा है। हाँ। Now director is asking for review of the food. Home style, the dal was really nice, very simple. That green chili had a kick to it. This paneer also had some masala in it. Yeah, yeah. And he just said it's got no spice. And उसी time मैंने green chili में bite करा। तो आपने बोला इसमें बिल्कुल spice नहीं होता। मैं बहुत मिर्ची खाता हूँ। आपने बोला मिर्ची नहीं होगी। उसी time मैंने हरी मिर्ची में green chili आपको मिलेगी। हाँ, मैंने उसी time bite करा। तो आप बोल रहे हो मिर्ची, मैंने बोला भाई मेरे को तो मिर्ची लग रही है। मैं किधर देखूँ? मस्त, अच्छा है। मजा आ गया यार ये खाने में। दादाजी ने शुरू किया था 1927 में, तब ये था कि कभी ये बिजनेस इसको बनाने ही सोचेंगे ना, अभी भी नहीं, हम नहीं सोचते कि कभी बिजनेस होगा जैसे हम बनाएंगे। बस ये है कि उस टाइम उनका एक खुद का पैशन था कि मैं, जैसे मैंने रेसलिंग करी तो मैं आगे आने वाले अपने बच्चों को, अपने पोतों को, सबको रेसलिंग कराऊँ। मेरे जब ताऊजी थे वो दिल्ली पुलिस में, जो हमारे फादर टाइम के थे, सब कोई दिल्ली में DSP, कोई ACP इस तरह से रिटायर हो गए। फिर जब रेसलिंग जो गेम है काफ़ी अच्छी चल रही थी, जो बैड कंपनीज होती हैं उनको ग्रैब करने लग गई, रेसलिंग्स को गैंग्स और गैंग वॉर जोन लग गई, तो नाम क्या था ना, रेसलर ये फलाना पहलवान, ये फलाना पहलवान। अब वहाँ क्या होता है कि आपको गैंग वॉर्स में जैसे थोड़ा कहीं शामिल करा, अब वो क्या दिखाते हैं कि पैसा। आपका ड्राइव क्या है सपोर्ट करने के लिए? मेरे फोर फादर चला रहे थे, तो अभी तक वो चीज़ मैंने मेंटेन करी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ बच्चे रहते हैं, खाना खाओ अपना, अलग रहो, घर से दूध घी आ रहा है ठीक है, इन केस कोई बच्चे को फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत होती है ना, डायरेक्टली कह दो भैया आज रोटी नहीं है, आज दूध नहीं है, आज ये सामान नहीं है, ले जाओ बेटा आप, बस आपको ये है कि अपनी जो मेहनत आप उन्हें करनी है वो करो आप। I think the entire experience has been like nothing I've ever done. ये तो experience ही याद रखना पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, but coach ने भी भगाया, थोड़ा दौड़ाया, पर प्यार से करवाया, इतना कोई हाँ तोड़ा नहीं हमको, हाँ तोड़ा नहीं, बट वो बाकी उन्होंने भी बड़ा प्यार से उठा के फेंका है। एक तो अच्छा है कि वो शांत स्वभाव के लोग हैं, वो भड़क जाते तो अभी इसका शक्ल थोड़ा कॉलीफ्लावर लगता वो भी। एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, सो वी वांट टू सी इफ वी कैन हेल्प इन सम वे। पब्लिक आप ही हेल्प करो। ऑल द गाइस हु आर वॉचिंग, ऑडियंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द दंगल, एक तो कमेंट्स में डाल दे इफ यू आर इंटरेस्टेड। इफ वी गेट एटलीस्ट अबाउट 100 कमेंट्स वेयर यू आर फॉर दिस दंगल थिंग, देन वी कैन अरेंज फॉर दिस एंड वी विल क्रिएट अ लिंक where people can contribute up to 5 rupees. Keep it simple. And अगर आप 5 रुपए डालोगे, eventually जो amount होगा उसमें हम ऊपर का अपनी तरफ से डाल देंगे, and we'll arrange a dangal event. And all the audience will be welcome to come and watch it. Thank you, sir. Breakfast, dessert, and everything of champions. Correct. Akhada was good fun. I'm not saying everyone has to try it. I can still feel the pain. Please like, share, and subscribe. वरना सर उठा के पटक देंगे।